एक प्रेरक यानी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं आज। बहुत दिन हो गए हिंदी में आपसे वार्तालाप नहीं हुआ। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा से रेलवे स्टेशन जा रहा था। ऑटो वाला बड़े आराम से ऑटो चला रहा था। उसी वक्त एक कार अचानक कहीं पार्किंग से निकलकर आई और रोड पे आ गई और टकराने लगी एकदम ऑटो रिक्शा से। ऑटो ड्राइवर ने बहुत सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगाई और किसी भी तरीके से ऑटो को कार से टकराते टकराते उसने अपने ऑटो को बचाया। कार चला रहा आदमी गुस्से से ऑटो वाले से भला बुरा कहने लगा, जबकि गलती उसकी थी, वही अचानक रोड के ऊपर आ गया था पार्किंग से निकलकर। ऑटो चालक ने कार वाले की बातों पर गुस्सा नहीं किया और मुस्कुराते हुए क्षमा मांगी और आगे बढ़ चला। ऑटो में बैठे इस व्यक्ति ने, जो पैसेंजर था, उसने कार वाले की हरकत पर बहुत गुस्सा व्यक्त किया और उसने ऑटो वाले से पूछा, तुमने उस कार वाले को कुछ कहा क्यों नहीं? बिना कुछ कहे उसको तुमने जाने दिया, उसने तुम्हें इतना भला बुरा भी कहा, जबकि गलती उसकी अपनी थी। और उस व्यक्ति ने बोला, ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बाल बाल बच गए, नहीं तो आज अभी हम अस्पताल में पड़े होते, एक भयंकर दुर्घटना हो गई होती। ऑटो वाले ने बहुत नम्रता से उस व्यक्ति को जवाब दिया जो पैसेंजर ऑटो रिक्शा में पीछे बैठा था। उसने कहा, साहब, बहुत से लोग इस दुनिया में गार्बेज ट्रक यानी कूड़े का ट्रक हैं या उसकी तरह हैं। वे बहुत सारा कूड़ा अपने दिमाग पर भर के चलते हैं, जिन चीजों की इस जीवन में कोई जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने सिर पे लेके चलते हैं। कैसा कूड़ा? यानी क्रोध, एंगर, घृणा, हेट्रेड, ईर्ष्या, जेलसी, चिंता, स्ट्रेस, निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस आदि, वो सब अपने सिर पे भर कर चलते हैं। जब उनके दिमाग में इनका कूड़ा बहुत अधिक हो जाता है तो वो अपना बोझ हल्का करने के लिए दूसरों पर ये कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। वो मौका देखते हैं कि किस तरह से हम अपने दिमाग का कूड़ा किसी पे फेंक दें और अपना दिमाग हल्का कर लें। इसलिए ऑटो वाले ने बोला, मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूं, मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूं और उन्हें दूर से ही मुस्कुराकर अलविदा कह देता हूं। क्योंकि ऑटो वाले ने बोला कि अगर उन जैसे लोगों द्वारा गिराए हुए कूड़े को मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया, जो वो कूड़ा फेंक रहे हैं अपनी जुबान से मेरे ऊपर, उस कूड़े को अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो मैं भी कूड़े का ट्रक बन जाऊंगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों पे भी वही कूड़ा गिराता रहूंगा। ये बोला ऑटो वाला। उसने बोला, मैं सोचता हूं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसलिए जो
हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें हमें धन्यवाद करना चाहिए, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उन्हें मुस्कुराकर हमें भूल देना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि वो हमें कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि वो कूड़ा है, उसे हमें स्वीकार नहीं करना है। प्रकृति का नियम है कि यदि खेत में बीज ना डाले जाएं, खेत को ना जोता जाए, तो कुदरत उसमें घास फूस भर देती है, एक बंजर जमीन बना देती है और उसके बाद घास फूस भर देती है। उसी तरह से यदि दिमाग में सकारात्मक विचार अगर हम ना भरें, तो स्वाभाविक है कि नकारात्मक विचार अपनी जगह बनाते जाएंगे। दूसरा नियम ऑटो वाले ने बोला उस सवारी को, पैसेंजर को, कि जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। यानी अगर कोई इंसान सुखी है तो वो सुख बांटता है, दुखी है तो वो दुख बांटता है, ज्ञानी है तो वो ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है, भयभीत भय बांटता है। जो खुद हर समय डरा हुआ रहता है वो दूसरों को क्या स्ट्रेंथ देगा, वो दूसरों को भी डराएगा ही। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम सकारात्मक विचार रखें और नकारात्मकता को अपने से दूर रखें। उसके लिए हमें चाहे किसी से माफी भी मांगनी पड़े, किसी को मुस्कुराकर अलविदा भी कहना पड़े। होप यू लाइक दिस स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, एंड होप आई डिड नॉट साउंड लाइक अ स्पिरिचुअल गुरु, विच आई एम नॉट। इट वॉज जस्ट दैट आई रेड दिस स्टोरी समवेयर एंड आई लाइक्ड इट एंड थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू। इट शुड एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। गुड बाय, गुड लक, नमस्कार।